तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप अपने पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट के इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इजीली किस तरीके से कर पाएंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बिल के आइकन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ ऑन करिएगा, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक हेडफोन की, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, यहाँ पे ये वीडियो MI फोन्स के लिए नहीं है, और MI फोन्स के लिए इसलिए नहीं कि MI ऑलरेडी अपने जितने भी MI की यूज़र्स हैं उनको ये सर्विस दे रहा है कि वो उसकी सेटिंग में जाके वहाँ से इंटरनल ऑडियो ऑप्शन को वहाँ से इनेबल कर सकें, तो ये बाकी सारे फ़ोन्स में वर्क करेगी, MI में भी वर्क करेगी, लेकिन ये MI के लिए नहीं है क्योंकि MI में एक आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से डायरेक्टली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाकी फ़ोन्स में प्रॉब्लम आती थी रिकॉर्ड करने के लिए, तो बाकी फ़ोन्स के लिए है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हेडफोन जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, हेडफोन माइक वाला होना चाहिए जिससे आपकी बात हो सके। दूसरे नंबर में आपको चाहिए ये एक क्लिप चाहिए, ये मैंने तो यहाँ से ली है अपने इंटरनल माइक से निकाली है, मेरे पास एक दूसरा माइक्रोफोन था उसी में लगा हुआ था तो मैंने उससे निकाली है। आप कैसे भी करके कोई यार कुछ भी लगा के इसको बस प्रेस रखना है आपको, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि है A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आप कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर वेस्ट है इसके लिए। तो चलिए वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, और यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ़ोन लेना है, और चलिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन ले लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये वाला सॉफ्टवेयर आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आप कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए वेस्ट है, और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो इस यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो इसका इंटरनल ऑडियो वाला ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, इस ये ऑन होना चाहिए, अगर ये ऑन नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा आपका रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ से आपको बस कट कर देना है, कट करने के बाद आप इस ऐप से एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ईयरफोन इसमें लगाना है, उसके बाद यहाँ पे ईयरफोन लगाने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा ईयरफोन में माइक बना हुआ हो, अगर माइक नहीं बना हुआ सिर्फ हेडफोन्स बने हुए हैं तो फिर ये नहीं काम करेगा क्योंकि माइक ही रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे माइक को आपको प्रेस कर देना है किसी भी ट्रिगर या किसी भी चीज़ से जिससे वो प्रेस रहे, दबा हुआ रहे। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है अपने पबजी मोबाइल को, और फ्रेंड यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाना चाहिए, जब तक गूगल ये ऑन नहीं होता है तब तक यहाँ पे आपका माइक हेडफोन सही से वर्क नहीं कर रहा है। ये गूगल ऑन हो गया, बस आपका हेडफोन वर्क करने लगा। यहाँ पे आपको पबजी को रन करना है, मैं पबजी मोबाइल लाइट खेलता हूँ तो इसको रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे रन करने के बाद थोड़ा सा इसको हम स्टार्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ यार, अगर आपको पबजी की सेंसिटिविटी वगैरह पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और या कुछ हैक्स चाहिए पबजी के तो वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा हैक्स पे भी। तो आपको जो भी चाहिए यार कमेंट में बताओ तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे पबजी को रन कर देना है, रन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको रन करने में, और बस ओके ये रन हो गया। तो हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे आपको TDM मैच लगा के मैं दिखाता हूँ, TDM में खेल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दूंगा कि किस तरीके से काम करता है, कैसा है इसका वॉइस है और कैसा ऑडियो रिकॉर्ड करता है ये। तो यहाँ पे TDM को सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 3, 2, 1 एंड ये रिकॉर्ड होने लगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सही से फ़ोन को पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि
मेरा दूसरा फ़ोन रखा हुआ है और इंटरनल माइक जो है वो लगा हुआ है, वो मेरे कॉलर में लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ सही से, बट आपको सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम स्टार्ट हो जाने देते हैं टीडीएम मैच। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखिए, मैं ये गोलियाँ चलाता हूँ और जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, क्विक वीडियो में फटाक से दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको रिकॉर्ड करने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। और ये वीडियो, इसका स्क्रीन रिकॉर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप देखिए और बताइए कैसा है स्क्रीन रिकॉर्डर। Team match.